और वो जो मेरा बुनियादी हक है आजादारी ये सही तो शहदा। मैं कुरान और सुन्नत से आपको दलील नहीं दूंगा, मैं मुनाजरा नहीं पढ़ रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, पाकिस्तान का आईन मुझे हक देता है। तुम्हारे सूबे में भी मजलिसों पर एफआईआर हुई, मुझे कहते हुए मेरा जिगर फटता है, पाकिस्तान में मजलिस पर एफआईआर हो नाकाबिले बर्दाश्त। फिर कहते हो इश्तियाल अंगेजी होती है फलां, मैं इश्तियाल नहीं दिलाता और धमकियां भी नहीं देता, धमकियां कमजोर देता है मुझे। मैं इस पाकिस्तान के ताकतवर हिस्सा हूं, मुझे धमकियों की जरूरत नहीं है। मैं फलसफे कुर्बानी के तहत अपने हुकूक का तहफ्फुज कर सकता हूं, मैं समझा रहा हूं। मजलिसों पर एफआईआर पंजाब में ज्यादा दर्ज हुई और आपके यहां भी है। हम आपके पेशावर हाईकोर्ट पे भी जा चुके, वहां से हम रिलीफ भी ले चुके, आपको शायद इल्म नहीं है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। मजलिस पर मैं इस मुल्क का शहरी हूं, मैं जहां चाहूं जब चाहूं आजादारी मना सकता हूं, मैं घर के अंदर मजलिस करा सकता हूं, कोई कुव्वत रोक नहीं सकती। मैं सैकड़ों मील तय करके यहां पे आया, मुझे यहां आने के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं है, तो हुसैन हुसैन करने के लिए किसी परमिट की जरूरत नहीं है। मैं कानूनी जिद्दोजहद करता हूं, मैं कानूनी जिद्दोजहद करते हुए पहुंचूंगा वहां पे जहां इन परमिटों को लाइसेंसों को फाड़ के फेंकूंगा।